आगको अच्छे रज तो से आज आम या मटन करी जोटा कि बिना मसला बाटिक मुझे करके देखी बहुत ही इजी और खाया बहुत ही टेस्ट जोटा कि समस्त को बहुत पसंद आसो वीडियो देखला पर जब भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने को भूल ये मुझे 600 to 650 ग्राम अच्छे मटन जोटा कि भल भाव में धोईकी मुझे रेडी कर नहीं मैरिनेट करने आम अल्प किसी लुण दबा गोटे छोटे चम्मच हलदी मुठी दे दूँगी आ गोटे छोटे चम्मच काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर दबा जस्ट कलर पर मुठी लंका गुंड यूज कर सहित गोटे छोटे चम्मच धनिया रे गुंड देदेब लास्ट रे दबा इतने दही मटन जब आप दही देखते मटन टा बहुत इजिली और बहुत जल्दी सीझीज जदि अधिका खट्टा वाला दही नौ तो टे अल्प ने गोटे रु 2 चम्मच सोरस तेल आम एड करा और सब कुछ भल भाव मिक्स कर नवा मटन ने जब दही ना तो आप लेंबू नहीं यूज करके बनई पार बहुत ही बढ़िया टेस्ट आसो मुझे प्रोसेस रे आज मटन बनेबी आप आगर ट्राए करना थी बहुत ही बढ़िया लगे और बहुत यम्मी बन एक भी मैरिनेट करके घोड़े की किसी टाइम एमती ही छाड़ देवा जदि आपे समय अच्छे तो गोटे घंटा भी एक एमती ही छाड़ दिं जदि समय ना तो आप 15 मिनट अध घंटा पर्यंत एक छाड़ पारे एपटे मुझे कुकर बसई नहीं कुकर में आड करवा सोरस तेल तेल जिते बड़े टी गरम होपर आम काटिक रखि आलू को एड करदे मुझे 3 to 4 छोट आलू को 2 to 4 खंड करेंगे जो थी कि अधा चोपा छड़ा हो अधा सेमती ही अच्छे चोपा बेला आलू मटन ने खाया बहुत बढ़िया लगे आम आलू भाजी गला आलू को बाहर कर आलू को आम 70% ही भाजबार अच्छे पर जो आउ 30% रहा से आम कुकर में मटन सहित ही सीटी मार तो आलू को मुझे 70% भाजिकी बाहर कर से सेम कुकर में ऐड करिबा 2 तेजपत्र और फ्लेवर पे अल्प किसी गरम मसला आपण के इच्छा अनुसार जोटा घर अच्छे से गरम मसला आपण यूज करिपरिबे और जस्ट फ्लेवर पे और भल कलर पे एटी मु 1/2 चम्मच रु टिके कम चीनी यूज करछि और चीनी को एबे हमें मेल्ट करिया पिन दबा चीनी यूज कले तरकार कलर बहुत बढ़िया आसीबा और तरकार टेस्ट टिके डिफरेंट आसीबा जदि आपन को चीनी पसंद ना तो चीनी को स्किप करके रेसीपी बन पारे ये चीनी मेल्ट होगा स्टार्ट है और चीनी को आमको पूरा मेल्ट करदेवार अच्छे चीनी देखते पूरा मेल्ट होगा और मेल्ट होगापे ही यार कलर टा आस ए स्टेज रे आम काटिक रखि पिज को एड करदे 2 बड़ सैज्र पिज मुझे भल भाव में मिक्स कर ना तेल सहित जीक परिमाण में आप मटन नहीं थी से अनुसार मसलार मेजरमेंट कम बेस करके आप यूज करें पिज को भाजी हाँ छाड़देव पिजर कलर चेंज होपर ही मुझे बाहर करके देखा एवं देखो पिजर कलर चेंज हो गला और जेहेतु आम फास्ट अल्प टे चीनी देते पिजर कलर टा बहुत ही बढ़िया आसी आउ 3 to 4 मिनट पिज को भाजी हाँ छाड़देव से टाइम भितर चलते मसला प्रिपेयर करना मुझे कही आम आज बिना बाटिक मसला प्रिपेयर करवा तो मुझे गोटे कुटणी नहीं अदा और रसुण को आड करदे भल भाव में कुटी ने बढ़िया से पूरा प्लेन करके भल भाव में मुझे कुटिकी नहीं कुटा मसलार सेन्ट बहुत ही बढ़िया लगे और तरकार फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आसे एपटे देखते पिज आम टोटली भाजी गला कलर पूरा ब्राउन कलर आसीगला एवं आम कुटिकी रखि मसला को ये आड करदे और मसला को कसी हाँ रस मेल जावाई कि टाइम घोड़े एमती ही छाड़देव देखो मसला कसी ही आसला तेल उपरक उठवा स्टार्ट कला तो एक आउ टे टाइम पर चल ना चारिपट चाकू जमी तलपट बिलकुल भी न लग जाए गोटे मसलें आप जेको तरकारी बनवे तार फ्लेवर टा टे डिफरेंट आसे और टेस्ट भी टी यूनिक लगी था जदि आप बनई ना तो थे निश्चय ट्राए करूँ एवं ये गोटे बड़ सैज्र टमाटो को मुझे काटिक आड करदे और टमाटो को जल्दी नरम भावे तापर गोटे चामच लुण यूज करने लुण जहाँ मुझे मटन में यूज करी एबी मसलार यूज करी एवं एक घोड़े देव और टमाटो नरम हो जाए वेट करवा 2 to 3 मिनट भितर आम टमाटो नरम होगा एथेरे अधा चम्मच काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर और अधा चम्मच हल्दी गुंड ऐड कर देबा मसलार कलर भल आसिबो एबे हाफ कप पानी देखिए एको किछ टाइम फुटिया छाड़ देबा टिके टाइम फुटला पर देखंतो मसलाटा बहुत ही गाढ़ा ही जाइछे एबे आमे एठी गोटे चम्मच मटन मसला दे देबा और हाफ चम्मच धनिया गुंड यूज कर नबा जदि आपण पाखे धनिया गुंड ना तो धनिया पत्र काम चल ठीक फ्लेवर आसवा और टेस्ट बनवा एवं एक भल भाव मिक्स करना मसलाटा आप देखिक ही जापारे के मोटा बनई बिलकुल भी लगुनि आम मसला बिना बाटिकेसीपिटा या जस्ट फ्लेवर पर मुझे 2 कंचा लंका दूँ जोटा कि बिना काटिक एमती गोटा ही आड करदे जस्ट फ्लेवर पर बिलकुल भी राग बनवानि कि फ्लेवर टा बहुत भल आसो ये अल्प किसी धनिया पत्र आड करवा और सब मिक्स करना मसला को कषि हाँ कलर चेंज हो टे समय दरकार तो एक एमती ही किसी टाइम छाड़ीदेव मसला जमी भल भाव कषि मसला देखते कषि आसला
कड़ेरु छाड़ी छाड़ी गलानी आ भल भाव तेल उपरक उठा स्टार्ट कलानी एबे आमे मैरिनेट करके रखी मटन को इतने ऐड कर दबा मसला सहित एक भल भाव मिक्स कर नबा मटन ने आमे आगे लुण हलदी सब ऐड करते तो टोटली आ किसी मसला दरकार नहीं खाली मसला सहित मटन को मिक्स कर नबा आ किसी टाइम भी एमती ही कुक हुआ पिंदे कुक कला बेले गैस फ्लेम को आपड़ मीडियम टू हाई रे रखि नियंतु जिते जल्दी मटन रू पा बाहर स्टार्ट करेंगे आपण मटन बहुत जल्दी बनिक रेडी हे एवं मोबाइल कभर लगे नौ किसी टाइम पर एमती ही छाड़ दूँ देखो दुई रू पांच मिनिट पर मटन रू पा बाहर स्टार्ट कर दे मटन भल भाव सीझे तो एक किसी टाइम भी एमती कुक होगा जो मटन कलर पूरा चेंज होते हिं जाना मो मटन कसा पूरा रेडी एक एमती छाड़ दूँ आउ दस रू पंद्रह मिनिट पर मटन रो कलर देखिक जापारे मटन कसा आम अलमोस्ट रेडी कि आउ टे टाइम पर एक कुक कर ना देखते तेल उपरक उठा स्टार्ट करदे आ मटन कसा आम पूरा रेडी एवं आउ अधिक टाइम पर्यटन एक बिल्कुल भी रेस्ट करापी देवानी एवं एम आड करदे अल्प किसी पा फास्ट ये गोटे छोट कप्रे गोटे कप पा आम यूज करवा नेक्स्ट आमको जितकी पा दरकार हम से मेजरमेंट अनुसार आम पर यूज करवा पा आड कलापर मटन को भल भाव मिक्स कर ना पा सहित पा फुटापे समय दरकार हम जब आप गरम पा यूज कर तो कुकिंग प्रोसेसटा बहुत इजिली और बहुत जल्दी बनी जब जदि आप थंडा पा यूज कर तो टी टाइम एक फुटाप दिंतु पा फुटापर ही आम एल्प किसी मटन मसाला आड करवा ये आउ हाफ चमच मटन मसला मुझे यूज कर भल भाव मिक्स कर ना जदि आप मटन मसलार फ्लेवर अधिक पसंद नहीं तो आप फास्ट रू जी मटन मसला यूज करते नहीं कि रेसीपी बन पारे एवं भल भाव मिक्स कालापर मुझ कुकर लिड लगे नौ एक दुईटू तीन टा सीटी पर्यटन एमती ही छाड़ देवा सब मटन क्वालिटी अलग अलग थाए तो से ही अनुसार आपको सीटी लगे पार्टी मत ये दुई रू तीनो सीटी में मटन मोर 70% सीझी जाइए आ मटन सीझला देखते कलरटा केफेक्ट आने मटनटा बहुत ही बढ़िया भाव में कसा ही जिते भल आप मटन को कसबे से बढ़िया कलर आसिक रेडी हम एवं भाजिक रखि आलू को आड करदे और हाफ चामच रु टे अधिका घर कुटाही होम मेड गरम मसला आड करदे आलू को मुझे 70% ही भाजिक रखी थी आहरी 30% आलू आम कंचा अच्छी प्रेसर कुकर में जब आप आलू को आड कलापर कि टाइम पर गोटे रू या दुईटा सीटी लगे नौ तो आलू भितर मटन मसलार फ्लेवरटा आसीज तरकारी बहुत ही टेस्ट लगे खाली आलू खायापे बहुत ही टेस्ट लगे तो निहाती आलू को मटन सहित ही किसी टाइम पर कुक हुआ दिंतु या गोटे कप पा आड कर नौ आपको जो अधिक ग्रेवी वाला पसंद या मोटा वाला ग्रेवी बनवाई चाहते तो टी कम पर पा यूज करेंगे टे झोल वाला मटन बनवाई चाहिए तो ये पादेली एपर लिड लगे ना आ दुईटा हुईसिल होगा पर्यटन छाड़देव या आगू आम दुईटा हुईसिल लगे एवं दुईटा मटन मत टोटाल चारिटा हुईसिल लगे पड़ा एवं देखो आम टेम्पटेटिंग मटन रेसीपी रेडी बहुत ही बढ़िया देखा पूरा कलरफुल आउ स्मेल तो बहुत ही बढ़िया आसपुर आम अल्प किसी धनिया पत्र आड करवा धनिया पत्र आड कलापर ही यार फ्लेवरटा आहरी डबल हो देखापे बहुत ही सुंदर लगे रेसीपीटा बनवा बहुत ही इजी आ खाला बेलू आपको बहुत ही पसंद आसपार अच्छे एक आप रुटी भात पराठा सबुति नहीं पारे आशा करें रेसीपी पसंद आसपी पसंद आसी लाइक कमेंट शेयर करने को बिल्कुल भूल धन्यवाद।